हेलो गाइस, तो चलिए आज की टॉपिक है हमारे स्टूडेंट क्लास 11th के लिए। तो गाइस देखिए, मैं आज जो है टुडे आई डिस्कस अबाउट थर्मल कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, थर्मल कन्वेक्शन और रेडिएशन का, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इसके पहले क्या पढ़ा था? थर्मल कंडक्शन, ये कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो थर्मल क्या था? यहाँ पे थर्मल कंडक्शन जब पढ़े थे तो प्रोसेस था, तो ये भी क्या, थर्मल कन्वेक्शन एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम, व्हेन हीट एंड मटेरियल, मतलब इसमें जो होगा, जो भी मटेरियल होगा उसका जो है मटेरियल भी साथ साथ, मतलब मटेरियल पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। ठीक है, लोअर टू हायर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी इज नोन एज थर्मल कन्वेक्शन। थर्मल कन्वेक्शन की कंडीशन क्या है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जैसे इधर हॉट हॉट एयर, इधर कोल्ड एयर। ठीक है, तो हॉट एयर क्या करेगा, कोल्ड एयर की तरफ हमारा इधर से मूव करेगा। तो हॉट एयर में क्या है, मटेरियल है, मटेरियल पूरा है ये मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ मटेरियल सहित पूरा जा रहा है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, हॉट टू कोल्ड, मतलब हायर बॉडी टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर मूवमेंट होता है, और साथ में मटेरियल मूवमेंट होता है, मतलब पूरा उसका मैटर या पूरा जो पार्टिकल्स होता है पूरी बॉडी मूव कर जाएगी, तब उसको बोलते हैं थर्मल कन्वेक्शन। ठीक है, इन दिस प्रोसेस या इन दिस जो है थर्मल कन्वेक्शन, इट इज डिफाइंड एज the particle of the material move directly from higher temperature body to lower temperature body is known as thermal convection। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे thermal convection होगा, अब इसका example एक बहुत अच्छा example है। मान ली कोई यहाँ पे ऐसे room है, ठीक है, क्या है ये room है, यहाँ पे क्या लगा है, ceiling fan। ठीक है, ये fan, यहाँ क्या ceiling, ये ceiling मतलब छत है, ये छत है। तो क्या है, नीचे का जो एयर होता है ये वाला, ये कोल्ड होता है, क्या होता है, कोल्ड, यहाँ पे कोल्ड होता है, और यहाँ जो हॉट एयर होती है, अब ध्यान से देखिए, हॉट एयर मतलब नीचे का जो एयर होता है कोल्ड होता है, ऊपर का हॉट होता है। कैसे, तो यहाँ पे जो होगा, जब कोल्ड एयर नीचे होती है वो गर्म होके ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हल्का होके ऊपर उठता है, तो ये क्या होगा, क्योंकि हैवीनेस आ जाती है कोल्ड में, तो ये हॉट होके क्या होगा, सीलिंग के पास जाता है। अब सीलिंग के पास जब जाता है तो ये क्या करेगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, इसको इधर इधर यहाँ पे ऐसे कर, रेडिएटर इसको कह सकते हैं, इसको स्प्रेड कर देगा यहाँ पे, और यहाँ से सीलिंग वॉल से टकरा के क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कोल्ड होके फिर नीचे आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, इसका मतलब टोटल जो है मटेरियल मूवमेंट हो जाता है, इसलिए कन्वेक्शन। रेडिएशन में क्या होगा, रेडिएशन में जो भी प्रोसेस होगा हीटिंग का, वो क्या होगा, तो इसमें विदाउट मीडियम, मतलब द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ हीट विदाउट इंटरवेनिंग द मीडियम इज नोन एज रेडिएशन। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर टेम्परेचर फ्लो करता है बट किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जैसे सन की लाइट रेडिएशन से प्रोड्यूस होती है, और बिना जो है किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके का जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो ट्रेवल होगा, वो क्या होगा, रेडिएशन होता है। ओके, बस।